नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बात करने जा रहे हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी जानकारी निकल करके सामने आई है कि जिसे आप जान करके अंदर से हिल जाएंगे और आपको यकीन नहीं होगा कि जो डॉक्टर्स हमारे सेवा के लिए बनाए हैं उन्होंने मात्र पैसे कमाने के लिए दोस्तों वो दवाइयाँ हमको दे डाली जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, और जो जरूरत थी नहीं थी वो हमारे बॉडी पे उसका क्या प्रभाव पड़ा होगा, यह आपके सोच से और मेरे सोच से परे है। इतना ही नहीं दोस्तों, वो एक जो दवाई लिखी गई वो अधिक दामों वाली दवाई लिखी होगी, यानी हर तरीके से लूटने का काम जो है कोविड के दौरान किया गया, जिस समय आपदा को अवसर बना लिया। इसी विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। जो लोग दोस्तों डोलो 650 एक ऐसी दवा है जिसका उपयोग प्रत्येक व्यक्ति ने कोविड के दौरान किया, जिसको भी चाहे जो हो, मैं हूँ, आप हो, तमाम जो भी लोग सफ़र कर रहे थे वो, या सुप्रीम कोर्ट के जज, और सुप्रीम कोर्ट के जज ने तो जो कहा दोस्तों, हम आगे बात करेंगे, आपके होश उड़ जाएंगे कि किस तरीके से एक कंपनीज और इन डॉक्टर्स का ये जो नेक्सेस है कि 1000 करोड़ का दोस्तों फायदा पहुंचाया है, 1000 करोड़ का फायदा पहुंचाया है कंपनियों ने, दिया है डॉक्टर्स को एक तरह से फ्रीबीज के रूप में, एक तरीके से ब्राइबर के रूप में, एक तरीके से गिफ्ट के रूप में 1000 करोड़। दोस्तों 1000 करोड़ बहुत पैसे होते हैं दोस्तों, और सोचिए ये तो डॉक्टर्स को दिए हैं, कंपनी ने कितना पैसा कमाया होगा जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये है हमारे देश के डॉक्टर्स के सेवा का भाव, और ये है कंपनियां दोस्तों, ये है कंपनियां। हम ये भी बात करेंगे दोस्तों कि किस तरीके से भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट और MCI के ऑर्डर देने के बार बार भी डॉक्टर्स जो है केमिकल फार्मूलाज जो है डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस में नहीं लिखते हैं, वो ब्रांड कंपनी का लिखते हैं। सारे विषयों पर दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग। केस का नाम है, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उस केस का नाम है दोस्तों फेडरेशन मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया सिविल रिट पिटिशन नंबर 323/2021। इस केस में पिटिशन में इनकम टैक्स रिटर्न में डोलो 650 जो दवा है दोस्तों, मेडिसिन है, उसको बनाने वाली कंपनी ने कहा है कि हमने 1000 करोड़ रुपए का डॉक्टर्स को बांट दिया है ताकि डोलो 650 डॉक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा लिखें मरीज को। और जैसे ही ये बात बाहर निकल करके आई दोस्तों, इस मामले पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गई, और जो PIL सुप्रीम कोर्ट में आई और कहा कि साहब इस पे कोई रेगुलेशन जो है की आवश्यकता है, तो जिस बेंच में वो मामला गया था दोस्तों, वो सब मेरे सुप्रीम कोर्ट के सबसे फेवरेट जज, मैं उनको मानता हूं अपना, जस्टिस DY चंद्रचूड़, और उन्होंने क्या कही ये भी जानने योग्य बात है दोस्तों। और उन्होंने कहा कि हमने भी सुना था कि कोविड के दौरान जो है डोलो 650 की कमी आ गई थी, इसके साथ साथ रेमडेसिविर की भी कमी आ गई थी, जैसा कि आप सभी दोस्तों जानते होंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि मुझे भी कोविड के दौरान यही एंटी फीवर मेडिसिन जो है डॉक्टर्सों ने प्रेस्क्राइब की थी और मैंने भी ली थी। अरे साहब, सभी लोगों ने ली थी, आपने जस्टिस साहब ने ही नहीं ली थी, हमने भी ली थी, सभी लोगों ने ली थी, जो व्यक्ति कोविड से सफ़र कर रहा था वो सारे लोग डोलो 650 ले रहे थे। और ये लेने के क्रम में दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि ये प्रेस्क्राइब करने, जब ये बातें उनको कही गई तो उन्होंने कहा कि ये मुझे भी प्रेस्क्राइब करी जब मुझे कोविड हुआ था, तो मैं कोई संगीत तो नहीं सुन रहा हूँ। उन्होंने देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बात कही कि मैं कोई संगीत तो सुन नहीं रहा हूँ। वाकई इसमें क्या सच्चाई है? What you are saying is not music to my ears. This is a serious issue. दोस्तों सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जो जस्टिस हैं, और सारे जस्टिस जिनको भी बहुत सारे कोविड हुए थे, बहुत सारे जजेस को भी कोविड हुए थे, उनको भी इन डॉक्टर्स ने नहीं बख्शाया है, ना हमको, ना आपको, ना जजेस को, किसी को नहीं बख्शाया दोस्तों, किसी को भी नहीं। आप सोचेंगे तो आपके सोच और मेरे सोच से, परिकल्पना से ऊपर है। और केवल किस लिए दोस्तों ये किया गया कि डोलो 650 अगर आप लिख देंगे तो इस पर कोई रेगुलेशन नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि नोटिस इशू कर दिया और कहा कि जितना जल्दी हो अपना जवाब जो है दाखिल करें। ये मामला फिर से दोस्तों जो है ऑनरेबल कोर्ट के सामने 10 दिन के बाद उन्होंने कहा जितना जल्दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोर्ट ने ऑर्डर करते हुए कहा कि अपनी जितनी जल्दी हो अपनी दाखिल, अपनी नोटिस स्कूल का, अपनी बात जो है पूरी एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट फाइल करें आप। इसके साथ साथ दोस्तों
पिटिशनर जो है, पिटिशनर कौन है दोस्तों, हम उस पर बात करते हैं। पिटिशनर है फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में कोई भी यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस नहीं है। मार्केटिंग प्रैक्टिसेस का मतलब यह है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज डॉक्टर्स को कुछ भी दे देती हैं और कुछ दे करके डॉक्टर्स कुछ भी लिख देते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं, दवा कंपनियां जो हैं, वो कुछ भी लिख दे, कुछ भी जो है डॉक्टर से लिखवा देंगी। और किस दम पे? पैसे के दम पे दोस्तों। उन्हें नहीं मतलब है कि आपके शरीर का पे क्या प्रभाव होगा, उन्हें नहीं मतलब है कि एक गरीब आदमी जब इलाज के दौरान जाता है, इलाज के लिए जाता है, उसके पास पैसे हैं या नहीं है। इन दवा कंपनियों को और डॉक्टर्स को उससे मतलब नहीं है दोस्तों, नहीं है। ये सोचिए कि मामला मैं ऐसे कोई बना बुना के नहीं बोल रहा हूं, इट इज अ मैटर बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है और सुप्रीम कोर्ट में ये जो FMARAI है, इन्होंने बताया है कि 1,000 करोड़ रुपए जो है दवा कंपनियों ने डॉक्टर्स को Dolo 650 लिखने के लिए फ्रीबीज के रूप में दिया है, फ्रीबीज के रूप। उन्होंने आगे कहा दोस्तों, जो FMARAI जो पिटिशनर है, उन्होंने आगे कहा कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज डॉक्टर्स को कुछ भी दे देती हैं, कुछ भी दे करके डॉक्टर्स कुछ भी लिख देते हैं, तो भारत में कोई यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए जो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग की प्रैक्टिस डिफाइन करे कि कौन कितना गिफ्ट दे सकता है, कौन कितना ऑफर किया जा सकता है, और ऑफर करने का मोड क्या होगा, और ऑफर कितना तक दिया जा सकता है, कितना तक दिया जा सकता है। ये पिटिशन चूंकि FMARAI जो है ने डाली थी, तो उन्होंने कोर्ट से कहा कि साहब UCPMP कोड, यानी कि यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को लेकर कोई डायरेक्शन इशू कर दी जाए, यानी कि कोई दिशा निर्देश दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में इसमें नोटिस इशू करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि आप जो है जितना जल्दी हो इस पर आप अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करें, और कहा कि इतना ही नहीं कहा दोस्तों, उन्होंने FMARAI ने यह कहा कि Dolo 650 की जैसे ही रेमडेसिविर की भी हालत थी दोस्तों, आपको मालूम होगा जब सेकेंड वेव चली गई तो रेमडेसिविर नहीं मिल रही थी, जिसको भी ब्लैक फंगस हो रहा था। मैं खुद एक पर्सनल महिला है, मैं इनको जानता हूँ, उनकी माँ को जब ब्लैक फंगस हुआ था तो रेमडेसिविर नहीं मिला था, तो मैंने भी ट्वीट और रिट्वीट बहुत सारा किया था। तो सोचिए आप दोस्तों, जिस रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं थी उसको डॉक्टरों ने लिख दिया और कहा कि ब्लैक फंगस तो तभी ठीक होगा जब रेमडेसिविर आपको दी जाएंगी। तो सोचिए कितना बड़ा खेल चल रहा है पैसों का दोस्तों, कितना बड़ा पैसों का खेल चल रहा है। मैं हमेशा से दोस्तों एक बात कहता हूं कि दो प्रोफेशन भारत में या कहीं भी ऐसी है, अगर आपके अंदर सेवा नहीं है तो नॉट कम टू दिस प्रोफेशन। एक एडवोकेसी जिसमें हम लोग हैं, इसमें डेली लोगों की मदद करनी है आपको, डेली लॉस को देखते रहना है, कहीं भी कुछ हो रहा है तो आपको बोलना है। मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर लॉयर्स नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, किससे उम्मीद लगाई जाए। दूसरे दोस्तों डॉक्टर्स जो सेवा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन क्या ही अब कहा जाए, दुर्भाग्य स्थिति दोनों जगह है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे एडवोकेसी प्रोफेशन में नहीं है, है यहां भी है, यहां भी सुधार की जरूरत है, लेकिन वहां ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वहां आपसे सीधे सीधे अगर आपसे कोई गलती होगी तो इंसान मर जाएगा। दोस्तों एक रोचक तथ्य मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। रोचक तथ्य यह है कि दोस्तों हमारे इंडिया में जो पैरासिटामोल 500 mg है उसको लेकर के रेगुलेशन है। मैं ये बताऊंगा आपको दोस्तों कि Dolo 650 ही क्यों दी गई, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। इसका रीजन ये है कि इंडिया में पैरासिटामोल 500 mg को लेकर के रेगुलेशन है, वो 10 रुपए तक की दवा, उसमें भारत सरकार का रेगुलेशन है कि आप कोई भी पैरासिटामोल 500 mg बनाएंगे उसमें आप 10 रुपए से अधिक कोई नहीं ले सकता है। लेकिन 650 इसलिए लिखी गई दोस्तों क्योंकि इंडिया में 500 mg से ऊपर जो दवाई बनाई जाती है उसके लिए कोई रेगुलेशन ही नहीं है। डॉक्टर्स का मन वो लिख देंगे 650 mg, और जिसका जितना मन फिक्स कर दिया, कोई किसी ने 15 रुपए फिक्स कर रखे हैं तो किसी ने 30 रुपए फिक्स कर रखे हैं। जैसे डोलो है तो ये 15 रुपए की दवाई है दोस्तों। आपको जान के ताजुब होगा कि इसका जो कॉस्ट आता है वो एक दवा का कॉस्ट 20 पैसे आता है, और 20 पैसे के बाद दोस्तों ये 15 रुपए में दवाई बेची जाती है, और जिसमें भारत सरकार का कोई रेगुलेशन नहीं है। पहले तो भारत सरकार को चाहिए कि जितना जल्दी हो के इसे पर रेगुलेशन लाए, क्योंकि डोलो 650 mg जो है कंपनीज को, जिस सब कंपनीज ने बना करके और जो मार्केट में फैलाया इसको, तो उसके बाद कोविड और सभी के दौरान जो भी जो डॉक्टर था, वो भी जो मेडिकल स्टोर पर बैठा है, वो भी जिसको कोई जानकारी नहीं है, झोला छाप है, वो भी सब Dolo 650 mg, आपको कोविड हो रहा है आप ले लो Dolo 650 mg
650 mg आप ले लीजिए, लेकिन आपको उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। ये देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये, उसकी आवश्यकता नहीं थी और आपको दे दी गई, चाहे वो डॉक्टर है या नहीं है। डॉक्टर ने तो अपना पैसा के लिए खेल किया, मेडिकल वाले ने डॉक्टर के देखा देख करके कर दिया, झोला छाप गांव में डॉक्टर है तो उसने भी ऐसा ही कर दिया। तो मतलब किसी सभी ने इस सभी व्यक्ति इस कार्य में लग गए जिसको आवश्यकता नहीं थी। दोस्तों सेवा के नाम पर लूटने का केवल काम किया गया, लूटने का काम किया गया, जहां आपदा को अवसर बनाने का काम किया गया इन दवा कंपनियों ने और डॉक्टर्स ने, जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों, जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, केंद्र सरकार ने कुछ साल पहले ही एक रेगुलेशन और भी बनाया दोस्तों, जैसा कि आप कभी भी जानते होंगे, अभी भी आप जो डॉक्टर के पास जाइए दवा लिख रहे हैं, अगर आप अभी जाएं किसी डॉक्टर के पास दवा लिखवाने के लिए, तो आपको कंपनी का नाम लिख देंगे, आपको लिख देगा डोलो 650 mg या क्रोसिन, ऐसे करके ब्रांड नेम लिख देगा, जबकि ब्रांड नेम नहीं लिखना है आपको, आपको केवल और केवल केमिकल फार्मूला पैरासिटामोल लिखना है। आप, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोस्तों आज भी ये पैरेलली चल रहा है और सारे भारत की मैकेनिज्म जो बैठ करके तमाशा देख रही है, क्या भारत सरकार हो, क्या कोर्ट्स की तो ऑर्डर, ये बात ही नहीं मानते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, एमसीआई ने कितनी बार अप्रूवल देकर के कहा, और इस पर बेजाबता कानून है दोस्तों, इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशन कंडक्ट इटिक्विटी एंड एथिक्स रेगुलेशन 2002 अमेंडमेंट क्लॉज 1.5 को अगर आप पढ़ेंगे दोस्तों, तो वहां साफ साफ लिखा गया है, डॉक्टर्स टू प्रेस्क्राइब मेडिसिन बाय जेनेरिक नेम यानी पैरासिटामोल इन द प्लेस ऑफ ब्रांड नेम ऑफ कंपनी लाइक डोलो, क्रोसिन, ऐसे करके वो पूरा गाइडलाइन दिया गया। भारत सरकार ने गाइडलाइन दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन दिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन दिया, लेकिन आज तक जानकर के आपको ताजुब होगा कि आज तक का इसका एक्सक्यूशन नहीं है। आप कल डॉक्टर से दिखाने के लिए जाइए और फिर वो कल जो है एक आपको जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखेगा वो आपको नहीं लिख सकते हैं पैरासिटामोल, वो आप हमेशा कंपनी का नाम लिखेगा और उस कंपनी से आपको कमीशन के रूप में डॉक्टर्स 80% तक कमा रहे हैं। मान लीजिए कि अगर 2000 का दवा हुआ तो उस 2000 में 80 रुपए की दवा जो है वो 2000 में 80% लगभग 1800 रुपए डॉक्टर के बन जाएंगे और आप जो है एक गरीब आदमी कहां से वो पैसा लाएगा। डॉक्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना डॉक्टर्स को दोस्तों, जो भी उसमें कंपनीज है उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड साहब ने कहा कि इट इज अ मैटर ऑफ सीरियस इशू, हम इसे देखेंगे और इससे पूरे भारत को जो है पूरे भारत के हेल्थ पे एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा जो नहीं सही है। इसको लेकर के जैसा कि मैंने दोस्तों बताया आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इशू किया और सबसे बड़ी बात दोस्तों जहां तक मुझे लगता है आज सरकार को चाहिए कि इस पे स्ट्रिंजेंट लॉ ले आकर के और जितना जल्दी हो दोस्तों इसका इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए, तब जाके के भारत के लोग बच सकेंगे, वरना ऐसे ही लुटते रहेंगे और कोई बचाने वाला नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों पिटिशनर्स ने यह भी कहा कि राइट टू हेल्थ इज अ अंडर राइट टू लाइफ विद पर्सनल लिबर्टी, यानी कि राइट टू हेल्थ जो है वो राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत आता है और राइट टू लाइफ के अंतर्गत मुझे सस्ती दवाएं, मेरा सस्ता चेकअप हो, मेरा सस्ता डॉक्टर से दिखा सकूं, ये सब मेरे मूलभूत अधिकार हैं, माय लॉर्ड इसे देख लिया जाए। तब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एकदम देखेंगे और 10 दिन के अंदर केंद्र सरकार को कहा कि जितना जल्दी हो आप काउंटर एफिडेविट फाइल करके बताएं कि इसकी सुस्पष्टता क्या है। तो दोस्तों मुझे तो यही लगता है कि जितना जल्दी हो केंद्र सरकार को इस पर कानून बना करके और स्ट्रिंजेंट लॉ बनाना चाहिए, ताकि इन डॉक्टरों से हम जैसे लोगों को और बड़े बड़े लोगों को और छोटे छोटे सभी को बचा सके, वरना स्थितियां भारत में भयानक हो जाएंगी। बाकी आपको ये जानकारी दोस्तों कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। देखते रहें मेरे YouTube चैनल को दोस्तों, लाइक जरूर करें दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।